भाई जब मैं कह रहा हूँ लाइफ में एक बार तो ना आप उज्जैन आओ आओ यार, दिल को जो आनंद मिलेगा ना भाई साहब, भगवान शंकर की कसम दिल खुश हो जाएगा यार। मैंने भस्म आरती का डेमो लिया यार वीआर में, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, साक्षात ऐसे लग रहा था यार, मतलब मैं सामने खड़ा हूँ। कितनी प्यारी यार, व्हाइट कलर में भोले बाबा नंदी माता भी बैठे हैं, भाई साहब महाकालेश्वर बाबा के इतने प्यारे दर्शन के बाद और फिर ऐसी चीजें मिल जाए देखने को। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई, सारा नया जय श्री महाकाल। तो भाई फिलहाल मैं हूँ उज्जैन, तो भाई मैं महाकाल बाबा के दरबार में हूँ और मैं हूँ फिलहाल भाई होटल में थे, फिलहाल टाइम हो रखा है 5:30, मैं और भैया भाई आके सो गए थे और फिलहाल निकले भाई और चहल पहल काफ़ी हो गई है भाई, तो फिर अब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और उज्जैन है भाई मध्य प्रदेश में। और भैया आपने इससे पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम उज्जैन कैसे आ सकते हैं, अगर जिसको भी इस बारे में जानकारी चाहिए वो जाके पीछे वाला ब्लॉग जरूर देख ले। तो भाई उज्जैन का मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एक और ज्योतिर्लिंग है यहीं ओंकारेश्वर, और उज्जैन भाई नगर है, करीबन मानता है 5000 साल पुराना, और उज्जैन जो तीर्थभूमि उज्जैन है वो मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित है। और भाई मंदिर को लेके ये भी मानता है कि भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी, उसके बाद भक्तों ने निवेदन किया कि भोलेनाथ बाबा आप यहीं विराजमान हो जाइए, बाबा फिर यहीं विराजमान हो गए थे और तब से बाबा यहीं विराजमान है। ये भी बोलते हैं कि उज्जैन में कोई भी राजा मंत्री यहाँ पे वो निवास नहीं कर सकता क्योंकि उज्जैन के राजा एक ही हैं, वो है बाबा हमारे महाकाल। जय श्री महाकाल, बोल बाम हर हर महादेव। और भाई आप जैसे यहाँ से आओगे तो आपको उज्जैन की मार्केट दिख जाएगी और उज्जैन के मार्केट के सामने ही आपको दिखेंगे हमारे महाकाल, उज्जैन बाबा के दर्शन हो जाएंगे आपको। तिलक लगवा के और हम निकल गए हैं, और भाई क्या फीलिंग आ रही है तिलक लगवाते, हाय हाय, ठंडा ठंडा सिर में चंदन के साथ और महाकाल के अपना वो तिलक लगवाया करो भाई, क्योंकि हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, छक्का राजी रहेगा, तिलक लगवाओ और मेरे जात ने छत्ती पाड़ का स्माइल दिखाओ। उनका तिलक लगाना इसलिए चाहिए, टोपी पहनोगे तो उड़ जाओगी, उड़ जाएगी, तिलक लगाओगे तो लगा रहेगा। यहाँ भाई बहुत सारी आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी मंदिर के बाहर, और ये भाई कुछ मंदिर का कुछ बाबा के प्रांगण का दृश्य, बाबा के दरबार में भाई रेड कारपेट बिछा के वीआईपी फीलिंग दे रखी है, लेकिन वीआईपी दर्शन मत करना भाई, क्योंकि बाबा के दरबार में जितने कष्ट सह के जाओगे ना उतने आपके जल्दी पाप कटेंगे सारे। भाई थोड़ा सा मंदिर के अंदर आओगे तो भाई साहब कितना बड़ा यार, क्या फील आ रही हो भाई साहब, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं भगवानों की, और ये और वो दिखे हमारे महाकाल बाबा, और भीड़ देखो कितनी तगड़ी हो रखी है। और हमने भाई ये प्रसाद लिया है, ये 100 रुपये का प्रसाद है, और यहाँ भाई जो वर्चुअली भस्म आरती दिखाते हैं आपको ऐसा ही लगेगा कि आप गर्भगृह में बैठे हो। और भाई देखो हमारे महाकाल, ओ भाई साहब क्या ही तो बना रखा है यार, और ये है मंदिर प्रवेश द्वार। और भाई जिस चीज़ का डर था वो आखिरकार वही हुआ, हमारे फोन जमा होने वाले हैं, मैं और भैया लाइन में लाग रहे हैं। चलो भाई चलो चलो, एक एक करके फोन जमा कराओ तोड़े तोड़े। ओ मैडम थोड़ा जल्दी करो ना भाई साहब, मंदिर देखो अंदर कितना आलीशान लग रहा है, तगड़ा आलीशान मंदिर लग रहा है। और भाई दर्शन करके आए हैं और भाई साहब क्या तगड़े दर्शन हुए हैं, कैमरा बंद है फिर भी कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक नंबर दरबार है, एक नंबर दर्शन है, मिलते हैं आपको बाहर क्योंकि यहाँ कैमरा है बंद। जल्दी जल्दी। और भाई मंदिर से आप जैसे ही एग्जिट करोगे तो आपको दिखेंगे अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर, ये वृद्ध कालेश्वर मंदिर, और सामने है नंदी माता। और भाई फाइनली हमको हमारे फ़ोन मिल गए हैं, और भाई साहब बहुत तगड़ी लाइन थी यार फ़ोन जमा कराते टाइम तो। और ये भाई सारा कॉरिडोर है, ये पीछे भी और इस साइड भी, और भाई साहब क्या चमक है यार, लाइटिंग, ओए होए दिल खुश हो गए, मतलब यार भाई साहब मैं कह रहा हूँ लाइफ में एक बार तो ना आप उज्जैन आओ आओ यार, एक बार दर्शन करो बाबा के, दिल को जो आनंद मिलेगा ना भाई साहब, भगवान शंकर की कसम दिल खुश हो जाएगा यार, लाइटिंग चमक धमक, बाबा के दर्शन, और भाई साहब हमारे बिल्कुल जो मतलब वीआईपी दर्शन होते हैं ना वे हुए हैं। ये देखो भाई ये सारे जो कॉरिडोर है भाई साहब, देखो दूर तक जो चमक धमक दिख रही है सारा कॉरिडोर है, और यहाँ पे देखो भगवानों की मूर्तियाँ, ओए होए क्या ही लग रही हैं यार, और लीजिए भाई दिल खुश करने वाली चीज़ देखो,
सब गोल्डन मूर्तियां हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि हम गोल्डन टेंपल में आ गए क्या? नहीं। जैसे ही भाई आप महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर में चलोगे, पीछे साइड, आगे साइड नहीं, पीछे साइड, तो आप देखोगे भाई यहाँ पे मूर्तियां जो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, और सामने हमारी दिख रही है भाई, देखो वो दिख रही है बड़ी सी महादेव की मूर्ति। जो बड़ी सी मूर्ति है भाई वो हमारे महाकाल बाबा की, साफ नहीं आ रही यार, बाकी भाई सब एक नंबर दिख रहे हैं। भोले बाबा प्यार हो जाएगा यार आपको इस मूर्ति से यार। संगीत सुनो एक बार आप, और भाई साहब ये देखो यार, नहीं भयंकर, ये किस चीज की है मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन तगड़ी दिख रही है भाई साहब। व्हाइट कलर में भोले बाबा नंदी माता पे बैठे हैं भाई साहब, महाकालेश्वर बाबा के इतने प्यारे दर्शन के बाद, और फिर ऐसी चीजें मिल जाएं देखने को यार, दिल गदगद हो गया यार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और भाई क्या व्यू है यार, देखो हमारे महादेव का अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, डमरू, चंदा, नाग, हाय 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 हाय, इतना सुकून। और फिर आते हैं भाई ये 6-7 ऋषि मुनि हैं, और वो कुछ जप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बाबा लिख रहे हैं, ये ऋषि मुनि जी वो जप कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, और पता नहीं यार मेरे को वेद पुराणों का यार पंडित जी लाना चाहिए था कोई मेरे को, तो अरे मैं तुम्हारा पंडित जी हूं। और भाई देखो समुद्र के बीच में बैठे हमारे महाकाल नाथ। तो भाई मैंने भस्म आरती का डेमो लिया यार वीआर में, जो आंखों पे चश्मा सा लगा के देखो लगाया ना भाई साहब, क्या यार वो था, मतलब फील था भाई कि हाँ मैं साक्षात खड़ा हूँ यार, ऐसा भी कैसे हो सकता है। मैंने देखा यार मतलब जो क्रिकेट लाइव में या स्टॉक मार्केट में देखते हैं, लेकिन यार मैंने डेमो लिया भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, साक्षात ऐसे लग रहा था यार, मतलब मैं सामने खड़ा हूँ। 150 रुपये में भाई आप चाहें तो भस्म आरती कर सकते हैं। और भाई ये भी अलग फील है, मतलब ना तो यहाँ एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, कुछ नहीं है, ठंडी हवा, आनंदमय दृश्य है, ठंड लग सकती है अगर आप यहाँ रात को सो गए तो देख लो। और ये हमारे भोलेनाथ के प्यारे पुत्र गणपति बप्पा मोरिया। भाई साहब ओए होए क्या भाई साहब, कितनी हार्ड पेंटिंग बना रखी है यार, रात में आओ यार यहाँ पे, अगर आपको महाकाल उज्जैन के दर्शन करने हैं ना, बाबा के दर्शन करने हैं, तो आप रात में आओ, जो आपको कॉरिडोर का व्यू मिलेगा, लुक मिलेगा, ओए होए मतलब दिल खुश हो जाएगा, इतना तगड़ा व्यू है रात में, लाइटिंग वाइटिंग बहुत तगड़ा यहाँ पे भाई। स्पेशली कॉरिडोर में जब आप घूम रहे हो तो आपके जो भी परिजन है छोटे से बड़े से, सबका हाथ पकड़ के रखो भाई साहब, क्योंकि खुद आते थे, वो अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट चल रही है, ध्यान रखो, क्योंकि यार बच्चों से तो बोला भी नहीं जाएगा ना कहीं, वो अगर अनाउंसमेंट करने तो उनसे बोला भी नहीं जाएगा। करते हैं फिर भाई इस वीडियो का यहीं पे एंड, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, जो भी आपका आप उज्जैन आ रहे हो या आपका कोई भी परिवार से उज्जैन आ रहा है तो इस वीडियो को भेज दो भाई, क्योंकि घर बैठे दर्शन करो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस वीडियो से लो। तो भाई अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर ढूंढा ठा दो भाई आज तो, क्योंकि भाई मेरे तो तगड़े दर्शन हुए, बाबा करे आपके भी जल्द बुलाओ और जल्द दर्शन करें। और फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।